गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी यहाँ ठीक हैं। और आज है दशहरा, तो दशहरा का फुल डे व्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और चाय वाय मैं पी चुकी हूँ और अभी ये एप्पल ले रहे हैं हम, मैं और हरमन। तो एप्पल खा के और मैं मशीन लगाऊँगी और उसके बाद कपड़े धुलते रहेंगे, साथ साथ मैं खाना बना लूँगी। और उसके बाद मुझे दिन में थोड़ा सा मार्केट जाना है और उसके बाद मार्केट जाने के बाद शाम को देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ बच्चों ने छोटा सा रावण बनाया था, यहाँ पे दूर दूर तक रावण देखने के लिए जाना पड़ता है इसलिए हम लोग गए नहीं थे। तो यहीं पर बच्चों ने रावण बनाया हुआ था तो बहुत इंजॉय किया उस रावण से हमने। तो मैं ये लगा रही हूँ मशीन में। मैं पहले डाल रही हूँ लाइट कलर के कपड़े, जो जिन पे किसी कलर का कपड़ा का कलर ना चढ़े। तो मैंने लाइट कपड़े डाल के घुमा दिया है और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ घिया। घिया रखी हुई मेरे पास दो टाइप की, एक गोल वाली और एक लंबी वाली, तो इसको मिक्स करके बनाती हूँ। तो ये मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाई है, तो सिर्फ हरी मिर्च और जीरा टमाटर से इस सब्ज़ी को भुना था। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही क्योंकि बहुत सिंपल रेसिपी है। होप यू ऑल आर एंजॉय विद मी। सो देखते रहे मेरी वीडियो को लास्ट तक और मुझे यकीन है आप सबको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो वही बच्चों की मेहनत जो हम देखने वाले हैं। अभी हो चुकी है शाम और स्टार्ट हो चुका है। देखिए ये है रावण जो बच्चों ने अरेंज किया था, बहुत सुंदर रावण बनाया था, मज़ा आ गया था सच में। और बच्चों की मेहनत है तो इसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सबका था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था। लेकिन ये हमारी पड़ोसन है, इन्होंने बहुत मेहनत की थी इस रावण को बनाने में, इन्होंने और इनके बच्चों ने ही ये रावण बनाया था। सो रियली बहुत अच्छा रावण बना था और इसमें बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था। हम सब लोग आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे और हम सब ने म्यूज़िक चला के बहुत सारा डांस किया था। इधर सब लोग अपने अपने घर से खाना वगैरह खा के आए थे और उसके बाद ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी। मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा, हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया था इधर। उल्टा है, उल्टा। ये तो बहुत मोटू। जाओ साथ खड़े हो। ये डॉग न्यू मेंबर है गली का, तो इसको ये पेट एनिमल है और रियली बहुत क्यूट है, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का है। सो अभी इन्होंने इसको क्या लिया है और इसको ये बच्चे देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं ना इस डॉग के साथ। और सच में ये बच्चों को ये डॉग्स के साथ, पपीज़ के साथ खेलने में कितना एंजॉय करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हाथ गंदे हो जाएंगे, पैर गंदे हो जाएंगे। तो थोड़ी सी मुझे तो इरिटेशन होती है डॉग से, तो हरमन भी कभी कभी बोलता है कि हम एक पैट ले लेते हैं और उसको रखते हैं, लेकिन मैं कभी भी आग्री नहीं होती। बस वो तो छोड़ो, लेकिन हर कोई अगर यही सोचने लगा तो बेचारे इन पैट्स को कौन पालेगा। लेकिन मुझसे तो नहीं होता ये, हरमन के डैडी भी बोलते हैं एक पैट हम रख लेते हैं, पर नहीं, मैं नहीं रख सकती क्योंकि मुझे एक अलग सी इरिटेशन होती है। तो यहाँ देखो बच्चे बस इतना एंजॉय कर रहे हैं ना कि बस उनको तो म्यूज़िक चाहिए डांस करने के लिए। और ये हमारे भैया आ चुके हैं, अभी यही रावण का दहन करेंगे, तो देखते हैं कैसे रावण का दहन होता है।
वो बच्चे रावण को गोदी में उठा के ले जा रहे हैं और इसको बाहर इन्होंने लगा दिया है और इस बस इसको खड़ा किया और ये खड़ा हो गया। इतना फनी इंजॉय किया हमने बहुत। बच्चे रावण के कान में कुछ कुछ कह रहे थे और पता नहीं क्या कह रहे थे कान में। बच्चे रावण के कान में कुछ बोल के आए हैं और फिर इन्होंने जो डांस किया था उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं। और ये देखिए भैया आ गए हैं और भैया ने आके इसमें हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा और बस घर में ही, घर के बाहर ही बच्चों ने इतना इन्जॉय करवा दिया कि बस सब ने इन्जॉय किया। देखिए लग गई रावण में आग और ये सच इतना अच्छे तरीके से जला था कि सब हैप्पी हो गए थे और कूद रहे थे बच्चे। ये देखो सियावर रामचंद्र की। तो फ्रेंड्स देखा आपने यहाँ रावण का दहन हो रहा है। दशहरा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल।